आग परिश्रम से और उत्तम से उत्तम रणनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार विजयी होती चली जा रही है, नए नए विक्रम प्रस्थापित करती जा रही है। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित भाई शाह मंच पर विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज मैं आपके बीच खड़ा हूं। एक तरफ खुशी समाती नहीं है, दूसरी तरफ मन एक भारी बोझ में भी दबा हुआ। अभी कुछ ही समय पहले वाराणसी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का हादसा होने के कारण अनेक लोग जो बस में यात्रा कर रहे थे, व्हीकल लेके जा रहे थे, नीचे दब गए हैं, कईयों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई, मदद की जितने भी साधनों को मोबिलाइज किया जा सकता है तुरंत किया है। बचाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन एक तरफ कर्नाटक के विजय की खुशी और दूसरी तरफ मन पर ये भारी बोझ, और बहुत स्वाभाविक है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का हादसा बेचैन बना देता है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा है भारत सरकार की तरफ से तत्काल जो भी मदद की आवश्यकता है पहुंचा रहे, वहां भी जितनी व्यवस्थाएं आर्मी समेत सबको मोबिलाइज किया है।